कॉल आया है, उर्मी पाड़ा बोरेवली के पास एक लाश मिली है। एनपीमार पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाता है कि वे घटना स्थल पर तुरंत पहुंचे। लोकेशन परत बोलते है उर्मी पाड़ा बोरेवली पश्चिम। तुझे लाश कैसे मिली? साहब वो सुबह सुबह बीड़ी की तलब लगी तो घर के बाहर आया। ये बच्चा इसी बस्ती का है? साहब इसके पहले तो मैंने इसको यहाँ कभी नहीं देखा। तुम लोगों में से कोई जानता है इस बच्चे को? आप जानते हैं? सब लोग कह रहे हैं कि बच्चा इस बस्ती का नहीं है। वो जयदीप सुबह जब चिल्लाया तब सब लोगों ने आकर इस बच्चे की लाश को देखा, पर कोई भी इसे पहचान नहीं पा रहा है। सर आसपास तलाशी जारी है पर कुछ मिल नहीं रहा। ज्योति शायद मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हो सकता है बच्चे को कहीं और मारा गया और यहाँ लाकर डंप किया गया, लेकिन बच्चे को देख के लगता है ये किसी बस्ती का ही होगा। सर हो सकता है ये इसी बस्ती का हो और बस्ती वाले लोग डरे हुए हों और डर की वजह से या तो झूठ बोल रहे या फिर कुछ बोल ही नहीं रहे। वजह जो भी हो हम कुछ भी रूल आउट नहीं करेंगे। एक मासूम बच्चे को बेरहमी से मारा गया। एग्जैक्ट उम्र तो इस वक्त नहीं बता सकते हम, बच्चा 12 से 15 के बीच होगा। हम उसका फोटोग्राफ भेज रहे हैं, आप हर मिसिंग कंप्लेंट के साथ उसको मैच कीजिए। सर हमारे जुडिशन के चारों चौकी की मिसिंग कंप्लेंट हमने मैच की, ऐसे किसी भी लड़की की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट हमारे यहाँ दर्ज नहीं है। नहीं साहब, इस बच्चे की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं है हमारे थाने में। सर 12 फरवरी तक सारे केसेस खंगाल लिए हमने, ये लड़का हमारे इलाके से मिसिंग नहीं है। सर शायद इस बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज ही नहीं हुई और शायद अब उसे कोई वाकई में मिस करेगा ज्योति और उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाएगा। Mm-hmm.
शिंदे, किडनैपिंग के जितने केसेस हैं सारे ढूंढ निकालो। कोई भी ऐसा केस जिसमें फिरौती ना पहुंची, या फिरौती पहुंची हो फिर भी बच्चा लौटाया नहीं गया, एक एक केस ढूंढ निकालो। आप लोग बच्चे की डेड बॉडी को यहाँ पर 12 फरवरी को लेकर आए थे इंस्पेक्टर, जबकि बच्चे की मौत 10 फरवरी को हो चुकी थी। 10 फरवरी मतलब हमें लाश मिलने से 2 दिन पहले। हालांकि मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई, बट बच्चे को मारने से पहले उसे बुरी तरह से पीटा गया, जो कि बॉडी पे मिले निशानों से साफ पता चल रहा है। और बच्चे की गर्दन पे ये निशान स्ट्रैंगुलेशन के, करेक्ट? पिन पाइप इजीली चोक हुई, आफ्टर ऑल बच्चा है। उम्र कितनी? यही 14-15 साल? जी नहीं, उससे कम, 10 से 12 के बीच। डॉक्टर, आपने बच्चे के हाथ नोटिस किए? बच्चे के हाथ रूखे और उंगलियां खुद रही, देख कर ही लगता है कि कामकाजी बच्चा होगा। पूरे आसार हैं कि बच्चा बाल मजदूर रहा होगा। सेक्सुअल असॉल्ट? जी नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चला। सर, रीसेंट किडनैपिंग का कोई भी केस इस बच्चे की डेड बॉडी से मैच नहीं हो रहा है, ना ही 10 फरवरी से लेकर आज तक किसी भी थाने में कोई किडनैपिंग रिपोर्ट हुई है इस बच्चे के एज ग्रुप से मिलती जुलती। सर, मर्डर को हुए 4 दिन हो गए, बॉडी मिले हुए 2 दिन हो गए, लेकिन कोई भी फैमिली सामने नहीं आई इस बच्चे को आइडेंटिफाई करने। इनफैक्ट किसी भी फैमिली ने कहीं भी इस बच्चे की मिसिंग कंप्लेन दर्ज नहीं की है। अगर ये जुर्म खुद बच्चे की फैमिली ने किया है तो जाहिर सी बात वो खुद इसकी मिसिंग कंप्लेन क्यों दर्ज करवाएंगे? सर, जिस तरह का इस बच्चे का हुलिया था, मेरा मतलब है कपड़े वगैरह, ऐसा लगता है कि ये किसी गरीब फैमिली से होगा। शिंदे, हो सकता है बच्चे की फैमिली हो ही ना, क्योंकि बच्चे के हाथ सख्त है, मजदूरी वाले हाथ। हो सकता है बच्चा कहीं पे मजदूरी कर रहा होगा, या फिर ये भी हो सकता है बच्चा घर से भागा हुआ, या किसी भिखारी माफिया से भागा हुआ, या फिर किसी अनाथालय से। हर एक पॉसिबिलिटी के एंगल है, लेकिन कत्ल के पहले बच्चे के जिस्म पर जो घाव के निशान है वो एक बात की तरफ इशारा करते कि बच्चे ने किसी बड़े की बात से इनकार किया, अपोज किया, और उस बड़े ने इस बच्चे की जान ले ली। एक टीम बैगिंग माफिया को खंगालेगी, खबरें से पता करेगी कि कहीं कोई बच्चा मारा गया तो क्यों, कब, कहां और कैसे, और दूसरी टीम यतीम खानों को स्कैन करेगी, कहीं किसी यतीम खाने में कुछ गलत हो रहा हो जो अभी तक बाहर ही ना आया। और तीसरा एंगल है चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी। हो सकता है बच्चा किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में काम कर रहा हो, और मुंबई में ऐसी कई इंडस्ट्रियल यूनिट हो सकती हैं जो छोटे बच्चों से काम करवाती होंगे। और एक बात, भिखारी माफिया को खंगालते वक्त उन बच्चों के सेक्शन पर खास ध्यान दो जिनसे रेलवे स्टेशन या टूरिस्ट स्पॉट पर गाना गवाया जाता है। बच्चे के पास माउथ ऑर्गन थी। ज्योति, शिंदे, देखने में ये केस भले ही ब्लाइंड लगता हो, लेकिन हमें किसी भी सूरत में बच्चे की शिनाख्त करनी, इस केस की तह तक जाना है। भोपू, बचता है तेरा? हाँ, बचता है भाई। अब जा, पौनी का टाइम है। इसको देख ध्यान से। नहीं देखा, देखता भी है तो कौन याद रखता है साला इधर। चल चल, अब दिमाग की दही मत कर, चल भाई चल। बेटा, इसको कभी देखा है? इसे तो कभी नहीं देखा। तो ये बांसुरी बजाता है? वैसे ये बाजा कोई ना कोई तो बजाता होगा। हाँ बजाता होगा, लेकिन मैंने तो इसे कभी देखा नहीं। मैडम, यहाँ तो कोई गायब होता नहीं, और अगर हमारे अनाथालय से कोई गायब हो भी जाता है तो हम सबसे पहले आपके पास आते। बहुत अच्छी बात है तो, लेकिन अब पुलिस यहाँ आई है तो उसे अपना काम करने दीजिए। बच्चों को असेंबल कीजिए, उनसे पूछेंगे। मैडम,
15 बच्चे हैं, स्कूल गए हैं, लेकिन मुझ पर विश्वास कीजिए, ये बच्चा हमारा नहीं है। पर किसी का तो था और बच्चा था। नाटकड़ी साहब, मुझे यहाँ के सारे बच्चों से बात करनी है। स्कूल खत्म होने के बाद जब सारे बच्चे इकट्ठे होंगे तब मुझे फोन कीजिए। मुझ पर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम इस बच्चे की पहचान नहीं कराते तब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाला यह शहर पूरा का पूरा शक के दायरे में रहेगा। नहीं सर, हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट में तो मैंने इसे नहीं देखा है। तो कहाँ देखा है? मेरा मतलब है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। मतलब तुम्हारी यूनिट्स में जो बच्चे काम करते हैं ये उनमें से नहीं है। वैसे कितने बच्चे काम करते हैं यहाँ? अरे साहब, एक भी बच्चा काम नहीं करता, सब बालिक है यहाँ पे। अब थोड़ा बहुत कानून तो हम भी समझते हैं ना सर। देखो बच्चों, डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बच्चे की फोटो ध्यान से देखो और हमें बताओ कि क्या ये बच्चा तुम्हारे साथ यहाँ काम करता था। हम आप सभी को यहाँ से एक बहुत अच्छी जगह पर लेकर जाने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखो और बताओ हमें। अरे साहब, ये बच्चे खराब हालत में है ही नहीं, मैंने बाहर के काम के लिए लाया ही नहीं। ये तो ऊपर ऊपर का हल्का फुल्का काम कर लेते थे हंसते हंसते और मजे से खाते भी थे। साहब, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, आप इन बच्चों से पूछ लीजिए। बचाओ, मत बताओ, बताओ साहब। दिनेश शर्मा, इन बच्चों की आंखें कांप रही हैं और तेरी आवाज, इसलिए यहाँ सब कुछ ठीक है ये रख तो तू मेरे सामने अलापना ही नहीं, बहुत बेसुरा है। अपना खेल तो अब तू खत्म ही समझ। इन सारे बच्चों को हम चाइल्ड वेलफेयर को सौंपने जा रहे हैं। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं सर। ये बच्चे नहीं है क्या? ये क्या बिना माँ बाप के आसमान से टपक गए थे? इनकी जिंदगी नहीं है या बचपन नहीं है? नहीं सर, इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा यहाँ। आप ही के यूनिट के जैसे यहाँ और 4-6 छोटी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में से हो सकता है। सर, अब हम तो बच्चों से काम कराने से रहे, और रही बात बाकी यूनिट्स की, टाइम किसके पास है उनका पता करने के लिए? दूसरी यूनिट्स के बच्चों को देखा तो होगा कभी बाहर कहीं? सर, बच्चों से काम करवाने वाले उन्हें इस तरह से बाहर घूमने तो देंगे नहीं, आप खुद ही पता कर लीजिए। लेकिन तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? अखबार पढ़ता है कि नहीं? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, सारे अखबार में खबर छपी है। खबर है तो खबर है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? वो लाश और सूटकेस मुंबई में कैसे मिली, कैसे हुए सब? मुझे भी उतना ही पता है जितना तुझे पता है, तो इसलिए मुझसे सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। देख, मुझे बताया गया था कि मामला सुलटा दिया गया है, पर यहाँ क्या देखता हूँ, हर नुक्कड़ पर उस बच्चे की पोस्टर छपी है। मुझे भी लगा था मामला दब गया है, लेकिन वो पुलिस हो या कोई भी हो, मुझे नहीं लगता वो पता लगा पाएंगे कि बच्चा कौन था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सर, बच्चे की लाश को मिले हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया, हमने मुंबई के सारे माफिया ग्रुप, सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हर एक अनाथालय को स्कैन किया, दिन रात एक कर दिया, लेकिन अभी तक एक भी सुराग हाथ नहीं लगा। सर, शहर के सभी थानों में बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स के साथ विक्टिम की डिटेल्स दोबारा मिलाई गई, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं। हो सकता है बच्चे के पेरेंट्स या गार्डियन को ये पता ही ना हो कि उनका बच्चा गायब हुआ है और मारा गया। देखो जी, अम्मा की हालत कैसी खस्ता हुई पड़ी है, एकदम सुन्न पड़ी रहती हैं हर वक्त, कहीं कुछ कम ज्यादा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं पार्वती,
अब जो हुआ है वो नसीब का लिखा है, हम तो नहीं लिख दिए थे ना। और देखो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सालों पहले बाबूजी जब गुजरे थे तब भी अम्मा का यही हाल था। हम तो सोचे थे कि कभी निकल ही नहीं पाएंगे, लेकिन जिंदगी में इतने दुख दर्द देखने थे, इतनी जिम्मेदारियां थी कि संभल गई। आशा करो कि इस बार भी संभल जाए। और कब तक ऐसे ही रहेंगी, हमसे तो उनका चेहरा देखा नहीं जाता। अरे हम भी उनका कहां सामना कर पाते हैं, लेकिन जो इस दुनिया से जा चुका है उसको बुलाकर आगे बढ़ना ही पड़ता है, यही जीवन है ना। ठीक तो हो ना बिटवा, रोटी बोटी तो देते हैं ना टाइम पे तुम्हें वो? बेटा तेरी बहुत याद आ रही है, हर दम तेरा चेहरा नजर के सामने रहता है। अम्मा इतनी चिंता मत करो, हम यहाँ कहाँ पीकर मजे में, इस महीने की हमारी तनख्वाह मिली ना तुमको? मिली रे, तू कब मिलेगा? तरस गए तुझे गले लगाने को। अम्मा थोड़ा सबर करो, हम यहाँ जल्दी से कमा के तुम्हें टिकट भेजते हैं, फिर तुम भी यहाँ जाना, बहुत मजा आएगा। और हम सुने यहाँ पर बहुत बड़ा समंदर भी है, चौपाटी, हम दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है? ए बिटवा, ये फोन वहाँ पर तेरी शक्ल तो नहीं देख पा रहे है, एक बार तेरा बाजा ही सुना दे। ठीक है, एक सेकंड रुक। सर, बच्चे की लाश को सूटकेस में डालकर एक बस्ती में डंप कर दिया गया। काफी हाथ पैर मारने पर भी हमें इस बच्चे के बारे में एक भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे की बॉडी को मुंबई के बाहर से लाया गया हो और यहाँ लाकर ठिकाने लगा दिया? ज्योति का पॉइंट वैलिड तो है सर, क्योंकि उर्मी पाड़ा का डंप जहाँ पर हमें बच्चे की लाश मिली बोरीवली स्टेशन के काफी नजदीक है, ऑलमोस्ट लगा हुआ है। एंगल तो बनता है, कोई पार्टी बच्चे की बॉडी को सूटकेस में डालकर बोरीवली स्टेशन आई, बोरीवली स्टेशन पर उतरने के बाद सबसे नजदीक उर्मीपारा के एरिया में सूटकेस को डंप किया और 9:11 हो गए, तो पूरे चांसेस हैं कि बोरीवली स्टेशन के किसी प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हुई होंगी। सर वो बड़ा ब्लैक सूटकेस आइडेंटिफाइबल है, मैं बोरीवली स्टेशन के सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक कराती हूँ, शायद वहां से कोई क्लू मिले। सर इस बच्चे की लाश मिली हमें 12 फरवरी की सुबह, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसका कत्ल हुआ 10 फरवरी को, तो स्टार्ट करने के लिए काम कर सकते हैं। 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी की सुबह तक सारे फुटेज स्कैन करते हैं। इस बच्चे के बारे में पता लगाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे, गरीब घर का बच्चा था तो क्या हुआ, था तो ये भी किसी का अपना, किसी के जिगर का टुकड़ा जिसे इस तरह बेरहमी से मारकर अपनों से और खुद की जिंदगी से अलग कर दिया गया। बच्चे के बदन के घाव एक कहानी बता रहे हैं, उसके गले पर स्ट्रैंगुलेशन के निशान भी एक कहानी बता रहे हैं। उस बच्चे के भी ख्वाब रहे होंगे, जिंदगी में कुछ बनने की, कुछ करने की तमन्ना रही होगी। बच्चों की जेबों में उनकी दुनिया होती है, इस बच्चे की जेब से भी उसकी खेलकूद का शौक, उसकी मासूमियत में लिपटा बचपन उमड़ रहा था, जैसे कि हर बच्चे का होता है। ज्योति शिंदे, हमें किसी भी सूरत में इस बच्चे की शिनाख्त करनी है और इस केस को क्रैक करना है, वो इसलिए क्योंकि अगर हमने ये केस क्रैक ना भी किया तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ये गरीब बच्चा है, लेकिन अगर यही बच्चा मिडिल क्लास फैमिली का होता तो मीडिया हमारे पीछे पड़ा होता, हाई क्लास का होता तो पॉलिटिशियन हमारा खून चूस रहे होते, लेकिन इस बच्चे के लिए ना तो ऊपर से कोई फोन बजा है, ना ही नीचे से कोई मंत्री ट्रांसफर की धमकी देकर गया। मीडिया में भी इस बच्चे को लेकर कोई शोर शराबा नहीं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है इस केस को स्लो डाउन करने का या जल्दी सॉल्व करने का। दबाव है तो सिर्फ मॉर्ग रूम में पड़ा हुआ उस बच्चे का मासूम शांत चेहरा, और यह दबाव बहुत भारी है। Thank you.
सर, लगता है टारगेट मिल गया। कहाँ से आ रहा थे? सर ये 10 फरवरी की सुबह 7:15 बजे की प्लेटफॉर्म नंबर 5 की फुटेज है। बोरीवली में कुल मिलाकर 8 प्लेटफॉर्म्स हैं। हर एक के सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से स्कैन किया गया ये पता लगाने के लिए कि ये कौन सी ट्रेन से उतरा होगा, पर ये किसी भी ट्रेन से किसी भी बोगी से उतरता हुआ नहीं दिखाई देता। इसके बाद 10 की पूरी रात, 11 की पूरी सुबह, रात और 12 की सुबह तक की हर फुटेज चेक की गई, पर ये किसी ट्रेन में वापस चढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता। सर बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से इस आदमी की मूवमेंट मैंने पर्सनली रिक्रिएट की। सर प्लेटफॉर्म 4 से ये उर्मी पाड़ा झुबड़पट्टी का डंप एरिया मुश्किल से 8 से 10 मिनट दूर है। ये एक रहस्य जैसा ही है सर कि ये आदमी बोरीवली स्टेशन कैसे आया, किस गाड़ी से आया और किस शहर से आया। इसे ज़रा देखो, एक बार सीसीटीवी कैमरे की तरफ इसका लुक जाता है फिर ये अपना चेहरा छुपाता है। जाहिर सी बात है इसे मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पर सीसीटीवी लगा हुआ है। पर सर स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर कई सीसीटीवीज इंस्टॉल्ड है और सभी के सभी काम कर रहे हैं, फिर ये कैसे हर सीसीटीवी को बाईपास करता हुआ यहाँ तक पहुँचा और फिर इस सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। तुम्हारा पॉइंट वैलिड है ज्योति, पर उसे बाद में एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल एक टीम रेडी करो, 10 और 11 फरवरी की फुटेज को रीस्कैन करने के लिए कहो बारीकी से। पॉसिबिलिटी है कि कोई और पार्टी इस सूटकेस को लेकर आई हो, इसने सिर्फ डंप किया। हमें करना यह है कि हम इस आदमी के पीछे जाएंगे और किसी भी सूरत में इसे ढूंढ के रहेंगे। पूरे देश में मैनहंट लॉन्च करेंगे। ये बंदा मुंबई आया, बॉडी डंप की, तो जाहिर सी बात है इसका मुंबई में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा, कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त, और वह बच्चा मुंबई के बाहर का हो सकता है, इसलिए उसकी तस्वीरें जिप नेट के सभी ग्रुप्स पर अपलोड करो। पूरा एक हफ्ता हमारी टीम्स और खबरी नेटवर्क उस आदमी की तस्वीर को लेकर पूरे बोरीवली स्टेशन पर और उसके आसपास बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड और ऑटो स्टैंड पर घूमते रहे। बस सबने यही कहा, नो, हम इस आदमी को नहीं जानते, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। एंड गेस व्हाट, उनमें से ज्यादातर लोग झूठ बोल रहे थे। स्टेशन पर काम करने वाले हर किस्म के लोग हमारे सस्पेक्ट को जानते थे पर शायद इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। और फिर एक आदमी ने हिम्मत की और वो आ गया है। वो आदमी के बारे में आपने को पहले भी पता चल सकता था और तू मुझे पूरे एक हफ्ते के बाद खबर दे रहा है। उस्मान, लाइन छोड़ने का इरादा है? साहब आपना कुछ मिस्टेक है ही नहीं। साला वो स्टेशन का पब्लिक इतना के डर के मारे मेरे को कुछ बोला ही नहीं। और साहब आपका हवलदार भी तो गया था, उसे किसी ने कुछ बोला नहीं तो? कौन है ये आदमी, क्यों डर रहे थे लोग? एक हफ्ते से आप ये माथा फोड़ी कर रहा हो, पूरी बात तू जानता है फिर भी मुंह पे पट्टी। मेरे को ये सब लफड़े में पड़ना ही नहीं था, ठीक है? वैसे भी मेरे से ज्यादा ना बद्री जानता है इसमें। ये जो बंदा है ना बिना लाइसेंस का सामान उठाता है। नाम पता फोन नंबर इस बंदे का? उसका नहीं है, बद्री का है, देता हूँ। हाँ दे दे। पता ही होगा इस आदमी ने एक बच्चे की लाश सूटकेस में डालकर उर्मीपाड़ा फेंक दी, यही खूनी हो सकता है।
और तुम लोग एक ही चुप रहे। हाँ, तभी कोई मुंह नहीं खोल रहा ना। अबे लफड़े में किसको पड़ना है। उस्मान, लोग अगर डरे भी हैं तो भी मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। और ये जो तेरा बद्री बद्री है ना, उसे जितनी जल्दी हो सके मेरे सामने लाकर खड़ा कर दे, नहीं तो मैं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। साहब, ये उमेश अपना दोस्त है, उसका नाम वाम तो नहीं आएगा ना। उसे भी लेकर आ, अगर वो बेगुनाह है तो उसे कुछ भी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। साहब, मैं वो खाली उसका नाम मालूम है साहब, राजू सिंह नाम है उसका, ये बद्री का दोस्त है साहब। अबे उमेश कुछ भी मत बोल यार। साहब, कोई दोस्त वोस्त नहीं है मेरे राजू सिंह। हाँ, बस दो चार बार एक ही बात हुई थी उससे। कौन सी बात? यही कि बच्चा कैसे उठाने का? नहीं नहीं साहब, सामान उठाने के बारे में। मैं हर टाइम उसको यही समझाता था, एक तो लाइसेंस नहीं, ऊपर से विरार से यहाँ आता था बोरीवली, हम लोग के ग्राहक लोग को कम पैसे में ले जाता था। विरार में ये राजू किधर रहता है? साहब कसम से कुछ नहीं मालूम, बस यही सब मालूम था जो आपको अभी बताया। विरार से यहाँ आता था बोरीवली पहली ट्रेन से। ये अपने स्टेशन के बाहर वाला रिक्शा स्टैंड है ना, वहीं बैठा रहता है, जैसे कोई पार्टी आई सामान उठा लेता है। साहब बात यह कि हम लाइसेंस वालों का एक फिक्स रेट होता है, पर ये उससे कम में सामान उठा लेता है। विरार में ये किसके साथ रहता था? कोई और ऐसा है जो उसको जानता हो? साहब जो कुछ मालूम था सब बता दिया, और कुछ मालूम होता तो क्यों नहीं बताता? क्योंकि पिछले एक हफ्ते से राजू सिंह की तस्वीरें हमने स्टेशन पर लगा रखी है, जो कि तुम लोगों ने देखी होंगी, पर तुम लोग बताने सामने नहीं आए। देखिए मैडम, मर्डर का मामला है, सब लोग डर गए होंगे साहब, जैसे मैं डर गया। और साहब हमारी आपस में बात भी हुई, कोई भी उसके नाम से ज्यादा कुछ नहीं जानता है, वो तो खाली बद्री है साहब, जो जानता है कि वो विरार से आता है। उस्मान, पूरा विरार खंगाल डालो, जरूरत पड़े तो और लोग लगाओ, लेकिन मुझे राजू सिंह चाहिए तो मतलब चाहिए, कोई बहाना नहीं। सर, ज़िपनेट पर बच्चे की फोटो अपलोड की थी, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। सर, हर एक स्टेट हेडक्वार्टर से खास रिक्वेस्ट की गई है कि वो हर एक छोटे से छोटे गांव और कस्बे में लोकल पुलिस थाने में बच्चे की फोटो और डिटेल्स भेज दी जाएं। इस राजू सिंह की कोई हिस्ट्री? मुंबई में तो नहीं है सर, मुंबई के हर थाने में इसकी फोटो और डिटेल्स भेजी थी, लेकिन इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ज्योति, सीसीटीवी स्कैन? सर जारी है, दो टीम्स लगी हुई हैं, एक टीम 10 फरवरी का फुटेज स्कैन कर रही है और दूसरी 11 का। वैसे जब से पता चला है कि ये राजू बिना लाइसेंस वाला कुली है, वो इन दो दिन की और उससे पहले की भी फुटेज में कई बार पब्लिक का सामान उठाते हुए दिखाई दिया है। तीन हफ्ते गुजरने के बाद भी बच्चे की कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, तो मतलब साफ है बच्चा मुंबई के बाहर का है, किसी दूर दराज के इलाके का। और इस मासूम के माँ बाप को पता भी नहीं है कि उनका बच्चा इतनी बेरहमी और बेदर्दी से मारा गया। दीपक, पचास हजार है, गिन लेना। गिनने की क्या जरूरत है साहब? पूरे तीन दिन डे और नाइट करने के बाद पता चला ये राजू सिंह रहता कहाँ था। रहता था मतलब? मतलब आप नहीं रहता, लेकिन उसका कोई खोली पार्टनर है योगेश, वो है वहीं पर। अरे बोला ना राजू गांव गया हुआ है। कौन से गांव, कौन सा जिला, कौन सा स्टेट, बोल। साहब मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि राजू ऐसा कुछ कर सकता है। तू अपने यकीन की पुड़िया बना के अलमारी में रख, राजू का पता बता। सच में नहीं पता, बस इतना पता है
कि एक महीने पहले उसने गांव जाने का प्रोग्राम बनाया था। 13 फरवरी की टिकट निकाली थी उसने। कौन सा गांव? वो तो नहीं पता साहब, बस बोला कि गांव जा रहा हूँ और निकल गया। पूरे घर में राजू का एक भी सामान नहीं दिख रहा है। देखिए सर, ऐसा है कि मैं सिर्फ पिछले 4 महीने से यहाँ रह रहा हूँ और राजू उससे भी 1 महीने पहले से। हम दोनों मकान मालिक को 1200-1200 रुपए देते हैं और इस रूम में एक साथ रहते हैं। वैसे हमारी कोई खास दोस्ती वोस्ती नहीं है साहब, और उसका क्या क्या सामान पहले से ही रखा था मुझे कुछ पता नहीं। एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, राजू का गाँव कौन सा है, कहाँ गया है वो? वो सच में नहीं पता साहब। हाँ, पर इतना पता है कि वो MP साइड का रहने वाला है। सब आधे घंटे से तुमसे पूछ रहा हूँ उसका गांव कौन सा है, उसका जिला कौन सा है, उसका स्टेट कौन सा है, तब तेरे मुँह से MP नहीं निकला। क्या लगता है MP मनी प्लांट को कहते हैं? हाँ, भूल गया था साहब। कोई बात नहीं बेटा, जो भूल जाता है ना उसकी याददाश्त हम ताज़ा करते हैं। नहीं नहीं साहब, गलती हो गई, मैं सच में भूल गया था साहब। सुन योगेश, तेरे मकान मालिक के साथ तुम दोनों का एग्रीमेंट तो बना होगा? मेरा एग्रीमेंट तो उनके साथ नहीं है, राजू का नहीं पता। हमारे मकान मालिक गायकवाड़ भाऊ बस 2 घर आगे ही रहते हैं यहाँ से। सर कोई 4 महीने के लिए रहता है और कोई 6 महीने के लिए, और कुछ लोग तो बिना बताए चुपचाप अपना सामान उठाकर भाग जाते हैं। अब सर 1200 रुपये पल्ले के लिए मैं कहाँ तक एग्रीमेंट कराऊँ? सर राजू का जो नंबर योगेश ने दिया था एज एक्सपेक्टेड, वो नंबर तो स्विच ऑफ है। हमारे पास कोई दूसरा नंबर है राजू का? सर मेरे पास एक नंबर है, ये सर ये नंबर है। ये नंबर तो सेम है सर। जहाँ तक मेरी सोच कहती है कि राजू सिंह किसी का मर्डर नहीं कर सकता। अपनी सोच को अपनी जेब में रखो, अगली बार किसी को मकान किराए पे देगा ना तो उसके साथ लीगल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट करने के बारे में सोचो। भी मैं राजू के गांव का नाम बोलूँ? सर वो तो मुझे नहीं मालूम, पर मैंने राजू से बस इतना ही सुना है कि वो MP में कहीं रहता है। MP में जाके ढूंढिए आप उसे। MP हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है, 51 जिले हैं, 51,000 से ज़्यादा गाँव हो सकते हैं, बस 7.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, और तू चाहता है कि हम उसे MP में ढूंढें? ऐसे मदद करेगा तो पुलिस की? लेकिन साहब उसका गांव जाने का प्लान 1 महीने पहले से ही था, उसने टिकट भी निकाल ली थी, और आप कह रहे हैं कि 10 फरवरी को मर्डर हुआ और फिर वो भाग गया। तो मर्डर का प्लान 1 महीने पहले से नहीं हो सकता, सुपारी ली होगी ना? तू बोल, राजू ने उस बच्चे को मारने की सुपारी किससे ली थी? मुझे क्या पता साहब। ये बच्चा कौन है? नहीं पता साहब। यहीं विरार का है, राजू के साथ देखा था ऐसे, घर आता था उसके साहब। तेरा रूममेट और तेरा किराएदार एक बच्चे को मारकर उसे बैग में डालकर बोरीवल स्टेशन पर डंप कर देते, और तुम दोनों को कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि राजू का MP जाने का प्रोग्राम 1 महीना पहले का था, और अब हम उसे MP में जाकर ढूंढें। मोबाइल कंपनी से कहो 48 घंटे नहीं मिलने वाले, रियल टाइम में राजू के फोन रिकॉर्ड चाहिए तो चाहिए बस। सर और राजू के कॉल लिस्ट में जितने भी नंबर हैं सबसे कांटेक्ट करो। मैडम मुझे कुछ नहीं पता, आपका हेड ऑफिस लंदन में हो या चांद पर, मुझे इस राजू सिंह के कॉल रिकॉर्ड चाहिए जल्द से जल्द। तरह ये सर्वर वर्वर का बहाना तो आप मुझे बोलना भी पर, इस राजू सिंह के कॉल रिकॉर्ड मुझे फैक्स कीजिए आज की आज और अभी के अभी। CST थाने कुरला कल्याण बांद्रा बोरीवली, यहाँ जहाँ से MP के लिए ट्रेन निकलती है, सिर्फ भोपाल या इंदौर के लिए नहीं बल्कि हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शहर के लिए। 13 फरवरी की पैसेंजर लिस्ट मंगवाओ रेलवे डिपार्टमेंट से, कहो टॉप प्रायोरिटी। इस राजू ने 1 महीना पहले 13 फरवरी को MP जाने के लिए टिकट बुक की थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका नाम उस पैसेंजर लिस्ट में ना हो। तुम राजू सिंह को कैसे जानते हो, बता सकते हो इस वक्त वो कहाँ है? हम जानना चाहते हैं कि राजू सिंह अभी कहाँ छुपा हुआ है। देखो भरोसा करो, हम तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, बस हमें मध्य प्रदेश में राजू सिंह के गांव का नाम बता दो। इस राजू सिंह ने कभी तो नाम बताया होगा अपने गांव का या अपने शहर का, ये मध्य प्रदेश का है इतना पक्का है। हेलो, कौन बोल रहा है? भाई साहब आपने फोन किया है तो आप ही अपना परिचय देंगे ना? मैं मुंबई पुलिस से सब इंस्पेक्टर मनीष शिंदे बोल रहा हूँ। सब मेरा नाम भूषण है। एक राजू सिंह है तुम्हारे मध्य प्रदेश का, अक्टूबर 2016 में उसने तुम्हें 3 बार कॉल किया था मुंबई से,
और तुमने उसे दो बार कॉल किया था भोपाल से। साहब मैं और राजू तो एक साल पहले भोपाल में एक ही होटल में इकट्ठा काम करते थे। हम दोनों क्लीनर थे वहाँ पर। भोपाल में राजू का एड्रेस क्या है? साहब वो तो इस वक्त मुंबई में होगा। 13 फरवरी को उसने मुंबई से मध्य प्रदेश जाने के लिए ट्रेन ली। भोपाल में उसका एड्रेस कहाँ है? साहब वो भोपाल में नहीं रहता, उसका घर तो भोजपुर में है। यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर होगा और उसके परिवार वाले भी हैं वहाँ पर। भोजपुर में कहाँ? साहब वो तो पता नहीं। हमें विक्टिम बच्चे की तस्वीर और सस्पेक्ट राजू सिंह की तस्वीर मिल चुकी है। हम पूरे भोजपुर में ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कहाँ से है और ये राजू सिंह का पता क्या है। आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। अनिल वही तो हम आपको नहीं दे सकते। हमें बच्चे की बॉडी मिले हुए 1 महीना हो गया और हमारे पास इस राजू के अलावा और कोई लीड नहीं है। अब जाके पता चला कि ये आपके भोजपुर का रहने वाला। अपने सबसे सही बंदों को काम पर लगाइए और ढूंढ निकालिए इस राजू सिंह को। यस सर, बिल्कुल हो जाएगा। एक बार ये राजू सिंह भोजपुर पुलिस के हाथ लग जाए और हमारे हाथ से मुझे ट्रांसफर हो जाए तो बहुत सवाल हैं इस राजू सिंह के लिए। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था सर, वो लोग पूछ रहे हैं कि बच्चे की बॉडी अभी भी रखनी है या बच्चे का DNA, उसके कपड़े, बाकी की चीज़ें प्रिजर्व करके उसका अंतिम संस्कार करना है। निश्चिंत, जब तक बच्चे का नाम पता नहीं चल जाता, उसके माँ बाप का पता नहीं चल जाता, ये पता नहीं चल जाता कि बच्चा कहाँ से था, कौन था और क्यों मारा गया, बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। डॉक्टर मैं नहीं चाहता इस बच्चे की लाश को लावारी समझकर क्रिमेट किया जाए। इस बच्चे के घर वाले इसका इंतजार कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है हम इसके घर वालों को जल्दी ढूंढ लेंगे। प्लीज प्रिजर्व करिए। ओके इंस्पेक्टर, हमें फॉर्म्स रिसबमिट करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट को। 1 महीने से ज्यादा हो गया बच्चे की बॉडी को प्रिजर्व किए हुए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करूं। साहब बच्चे की तस्वीर काफी घुमाई मेरे नेटवर्क में लेकिन कहीं किसी ने इसे देखा तक नहीं। और वो राजू सिंह? वो तो अपने भोजपुर का ही है और इस वक्त भोजपुर में ही है। उठा लीजिए तुरंत। वो शांति से रोजमर्रा की जिंदगी बसर कर रहा है। 14 फरवरी को भोजपुर पहुंचा है, घर में माँ बाप है और घर में ही आराम कर रहा है। वेरी गुड अनिल, उस पर नजर रखो लेकिन उसे भनक नहीं लगनी चाहिए कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। हम लोग जल्दी निकल रहे हैं। राजू सिंह जी, मेरा नाम राजू सिंह। इसका नाम क्या है? कौन है ये लड़का साहब? मैं इसे नहीं जानता। राजू ने खुद से इस बच्चे को मार डाला था या किसी और के लिए काम किया था? आपने उन दुकानों की फुटेज स्कैन की जहां से उसने वो बैग खरीदी हुई हो? और ये बच्चा कहीं मुंबई से ही तो नहीं था जिसकी कंप्लेंट दर्ज की ही नहीं गई थी? बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज ना करवाने के पीछे एक कड़वा सच था। एक ऐसा सच जिसका सामना हमने पहले कभी किसी केस में नहीं किया था। और ये राजू सिंह, इसकी संगीन जुर्म में भूमिका काफी संदेहपूर्ण थी। वो बच्चा क्यों मारा गया, कैसे मारा गया और राजू सिंह ने इस बच्चे की बॉडी को सूटकेस में डालकर उर्मी पाड़ा में क्यों डंप किया और कैसे डंप किया, सवाल कई थे लेकिन सबसे अहम सवाल था वो बच्चा। कौन था वो मासूम? कौन थे उसके घर वाले? ये राजू सिंह की गिरफ्तारी महज एक शुरुआत थी लेकिन सच की दिल्ली अभी बहुत दूर थी।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.